तो व्हाट्स अप गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग केवल लाइटरूम ऐप में एडिट करना सीख जाएगा। और मैं ऐसे हवा हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 110% लिख के देता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो एडिटिंग कर ही लेंगे। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो के एंड में आपका भाई ना कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग वन क्लिक में भी एडिट करना सिखाने वाला है। तो वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले गाइस, हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेंगे, और लेने के बाद सिंपल से इसके शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग क्या करेंगे, लाइटरूम के अंदर शेयर कर लेंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। सब गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा, जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले, और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो के एंड में आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखाने वाला है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, साइड में ऐसे स्क्रॉल करके इसकी लाइट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों, लाइट वाले आइकन पे क्लिक कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी कंट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके 22% कर दीजिएगा प्लस साइड में, और इसकी हाईलाइट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -75 कर दीजिएगा। शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 26%, व्हाइट्स की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 16%, और इसकी ब्लैक्स की वैल्यू डिक्रीज करके -33%। देन दोस्तों, ये सेटिंग आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आप फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। देन दोस्तों, यहां पे हम लोग पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले ना, इसी फोटो की कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन सी टोन को क्रिएट करने वाले हैं। और इस वाले स्टेप को आप अच्छे तरीके से देखिएगा, यही मेन पॉइंट होता है फोटो को एडिट करने का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर्स के आइकन पे चले जाएंगे, और जाने के बाद सबसे पहले इसकी सेचुएशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -4 कर लेंगे, और इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 46% कर लेंगे। देन दोस्तों, इसकी टिंट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -23 कर लेंगे, और इसकी टेम्प की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 30%। देन दोस्तों, ये सेटिंग आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तभी आप अपनी फोटो के अंदर सेम टोन को ऐड कर पाएंगे। देन दोस्तों, ये काम कर लेने के बाद ऊपर साइड में कोने में ना आपको मिक्स टूल आइकन पे क्लिक कर देना होगा, और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने ढेरों सारे कलर्स नजर आएंगे, और इन्हीं कलर का यूज करके आपका भाई कलर को क्रिएट करने वाला है। अब यहां पे वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखिएगा, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, यहां से ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा, लुमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -26 कर दीजिएगा। देन दोस्तों, सिंपल से आप लोग को इक्वा ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी सिचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर देंगे। और सिंपल से आप लोग को क्या करना होगा, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, यहां पे होता है मेन काम। क्या करेंगे हम लोग, यहां से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी सिचुएशन की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर देंगे, और इसकी क्या करेंगे, ह्यू की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -25 कर देंगे, और सिंपल से येलो कलर को सिलेक्ट करके इसकी सिचुएशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी ऐसे डिक्रीज करके -29 कर देंगे। और सिंपल से अपने फेस वाले कलर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसकी सिचुएशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके ना -42 कर देंगे, ल्यूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके 22%। देन दोस्तों, रेड कलर को सिलेक्ट करके सिचुएशन की वैल्यू इंक्रीज करके 24% करके, और सिंपल डन क्लिक कर दीजिएगा। और डन क्लिक कर लेने के बाद आप लोग के फोटो के अंदर ये वाला टोन आ जाएगा बहुत ही इजी स्टेप में। गाइस, टोन तो आ चुका है, लेकिन अभी हम लोग अपनी फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग नहीं किया, इसे ये फोटो देखने में अभी बेकार लग रहा है। लेकिन कलर ग्रेडिंग कैसे किया जाता बहुत ही आसान तरीके से आगे आपका भाई बताने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, और एंड में आपका भाई वन क्लिक में भी फोटो एडिटिंग सिखा देगा। तो मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे, जैसे कि शैडो और मिड टोन, हाईलाइट और ग्लोबल। तो हम लोग शैडो में आ जाएंगे, और अपने फिंगर से ऐसे पकड़ के नीचे आएंगे, और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे
डिक्रीज करके -36 कर लेंगे, ब्लेंडनी की वैल्यू इंक्रीज करके 100% और इसकी बैलेंस को इंक्रीज करके 24%। और सिंपल से हाई यहाँ पे हम लोग हाईलाइट वाले में आ जाएंगे और अपने फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से इसे घसीट के ना थोड़ा सा हम लोग ब्लू साइड में कर देंगे। और कर लेने के बाद इसकी ह्यू की वैल्यू 231 रखिएगा और सिचुएशन को यहाँ पे 27। और सिंपल से ग्लोबल में आके और अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से ना इसे भी घसीट के हम लोग ब्लू साइड में करके और इसकी भी ह्यू की वैल्यू 233 रखेंगे और सिचुएशन को 21%। और सिंपल हम लोग डन क्लिक कर देंगे और डन क्लिक कर लेने के बाद हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। गाइज इतना सारा काम कर लिया ना, तो एक स्टेप और आप वीडियो को देख लीजिएगा जिसके अंदर आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप अपनी फोटो को ना फुल एचडी में बनाएंगे। तो फुल एचडी में अपनी फोटो को बनाने के लिए हम लोग इफेक्ट के आइकन पे आ जाएंगे, टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 8% कर लेंगे, क्लियरिटी की वैल्यू डिक्रीज करके -10 कर लेंगे, डीआईएस की वैल्यू इंक्रीज करके 10% कर लेंगे और इसकी विग्नेट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके यहां से -37 कर लेंगे। देन दोस्तों ये काम कर लेने के बाद आपकी फोटो तो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप अपनी फोटो के अंदर डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं जिससे आप कहीं भी अपनी फोटो को अपलोड करें तो आपकी फोटो फुल एचडी में अपलोड हो, तो आप लोगों को क्या करना होगा, डिटेल्स के आइकन पे जाना होगा, शार्पनिंग की वैल्यू यहां से इंक्रीज करके 49% कर लीजिएगा, मास्किंग को इंक्रीज करके 58%, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 22% कर लीजिएगा, कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 24% और स्मूथनेस को आप 100% कर लीजिएगा। और ये सारी सेटिंग करते ही ना आल्टू वाला की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट होकर आ जाएगी जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस फोटो को फुल एचडी में सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका ये फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप चाहते हैं वन क्लिक में अपनी फोटो को एडिट करना तो मैंने इसी फोटो का प्रीसेट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से प्रीसेट को डाउनलोड करके आप वन क्लिक में अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं।